कॉलेज में कार्यरत प्रदेश भर के अतिथि विद्वानों ने अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर होशंगाबाद जिले के पिपरिया से राजधानी भोपाल के लिए पद यात्रा प्रारंभ कर दी है। पद यात्रा के माध्यम से अतिथि विद्वान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा किए गए नियमितीकरण के वादे को याद दिलाते हुए नियमित करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। अतिथि विद्वान रात्रि में मंगलवारा बस स्टैंड प्रतीक्षालय में रुके। सुबह सभी विद्वान शोभापुर रोड तिगड्डे पर पूर्व विधायक अर्जुन पलिया से मिले और अपनी समस्या बताई, जिस पर पलिया जी सभी से कहा कि जो वादा कांग्रेस ने किया है वो पूरा करेंगे। इस पर भी नजर है और बहुत तीखी नजर है कमलनाथ जी की, कि पिछले 5-15 सालों में जो अनियमितताएं हुई हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खोलने का काम माननीय कमलनाथ जी करवाएंगे। इस बात पर जनता विश्वास रखे। क्या माना जाए सर, एमपी ये अतिथि विद्वान जो हैं इनकी समस्याओं का निराकरण होगा? आठ दिन बाद क्या समस्या है, शासन के बाद शासन क्यों नहीं कर पा रहे, कमलनाथ जी ने घोषणाएं की हैं। उसके बाद विद्वान वापस प्रतीक्षालय आए, अपने हाथ है भोजन तैयार कर सभी ने भोजन किया। उसके बाद सभी ने पिपरिया से भोपाल पैदल यात्रा चालू की। अतिथि विद्वान मोर्चा के प्रदेश संयोजक देवराज सिंह और सुरजीत सिंह भदौरिया कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय जो वादा किया था उसे निभाने का समय आ गया है। अक्टूबर माह में भोपाल में धरना प्रदर्शन के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। प्रदेश भर के अतिथि विद्वान भोपाल में जब तक डटे रहेंगे जब तक कि हमें नियमित नहीं किया जाता। सभी ग्रंथपाल क्रीड़ाधिकारी अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण, जो कि विभिन्न वचन पत्र में कहा गया है, जीतू पटवारी ने 12 अक्टूबर में अपने नीलम पार्क में दिए गए भाषण में कहा, और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो अपने ट्वीट में कहा है कि यथावत रखा जाएगा, तो हम ये कह रहे हैं कि इस यथावत से नियमितीकरण की दिशा के लिए हमारे लिए जल्दी ही कागजी कार्रवाई। बोला था कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है, आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री जी ने बोला था, और राहुल गांधी जी के समय बोला था इंदौर अपनी सभा में कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहली बात हम अतिथि विद्वानों को रोस्टर के अनुसार इनका नियमितीकरण किया जाएगा। हम अतिथि विद्वान 52 से अतिथि विद्वान है, जिसमें क्रीड़ा अधिकारी ग्रंथपाल सिंपल पीजी, हम 52 से अतिथि विद्वान का रोस्टर के अनुसार जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाएगा, जब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। भोपाल में जाके हमारी पदयात्रा यहाँ भोपाल में समाप्त होगी। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।